गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पेन विश्वकर्मा, आप लोगों का मैथ्स का टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास थर्ड की मैथ्स का चैप्टर नंबर 2, जो कि क्या है हमारा, क्लॉक एंड कैलेंडर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को इस चैप्टर के बारे में बताया था। ठीक है, और हमने क्लॉक के बारे में कई सारी चीज़ें जानी थी कि क्लॉक क्या होती है, किस तरह से हम क्लॉक में टाइम देखते हैं। ठीक है, और जो इसका एक्सरसाइज थी ये भी हमने करी थी। ठीक है ना, यहाँ पे डायल में देख के आपको टाइम बताना था कि कितना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो है टाइम लिखा हुआ था उसको डायल में सेट करना था। ठीक है ना, और हमने कई सारी चीज़ें देखी थी इसमें। ठीक है, और हमने एएम और पीएम के बारे में भी इसमें जाना था। ठीक है ना, तो इस लेसन का जो क्लॉक वाला पार्ट है वो मैंने लगभग आपको कंप्लीट करा दिया था। ठीक है ना, यहाँ पे ये देखिए, हमने एंटी मेरिडियन और पोस्ट मेरिडियन भी देखा था कि एएम और पीएम किस तरह से हम डिसाइड करते हैं। सुबह मतलब रात में 12 बजे के बाद से लेके सुबह 12 बजे तक का टाइम जो है वो एएम में आता है। ठीक है ना, उसको एएम में हम लेते हैं, मीन्स एंटी मेरिडियन। ठीक है, ये देखिए, मिड नाइट 12 से लेके दोपहर 12 बजे तक का टाइम जो है एएम में आता है, एंटी मेरिडियन इसको बोलते हैं। और फिर दोपहर 12 बजे के बाद में रात के 12 बजे तक का टाइम जो है पीएम में आता है, इसको बोलते हैं पोस्ट मेरिडियन। ठीक है ना, तो ये भी हमने समझा था। ठीक है, अब इसके बाद में ये एक्सरसाइज भी मैंने बताई थी कि किस तरह से करनी है। ठीक है ना, एएम और पीएम इसको किस तरह से फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब आइए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि क्या है, ईयर मंथ एंड डे। ठीक है ना, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को पता ही होगा कि ये सारी चीज़ें जो है कैलेंडर में दी रहती हैं। ठीक है ना, ईयर अभी जैसे ईयर कौन सा चल रहा है, न्यू ईयर आया है। ठीक है ना, 2021, तो ये ईयर हो गया। ईयर को, ईयर का मतलब क्या होता है साल, मंथ का मतलब क्या होता है महीने। तो आप लोगों को पता ही होगा कि 12 मंथ्स होते हैं टोटल। ठीक है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। ठीक है ना, तो ये 12 मंथ्स होते हैं। और डे, डे भी आप पता ही होंगे 7 डेज़ होते हैं। ठीक है ना, 7 डेज़ कौन से, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है ना, तो इन्हीं सब के बारे में आज हम देखेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वी नो वन ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स। हमें पता है कि वन ईयर में जो है 12 मंथ्स होते हैं। ठीक है ना, द ईयर हैज़ अ रोटेशन ऑफ 12 मंथ्स। ठीक है ना, एक ईयर में जो है 12 मंथ्स का रोटेशन होता है। ठीक है, जनवरी कम्स अगेन आफ्टर दिसंबर, और जो जनवरी हमारी आती है वो दिसंबर के बाद में आती है। ठीक है ना, इसके बाद क्या लिखा हुआ यहाँ पे, नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ। तो आइए हम देखते हैं कि एक महीने में कितने दिन होते हैं। ठीक है ना, तो क्या लिखा हुआ है, 30 डेज हैव सेप्टेम्बर, अप्रैल, जून एंड नवंबर। तो जो सेप्टेम्बर, अप्रैल, जून और नवंबर, ये 4 महीने जो होते हैं, इसमें कितने दिन होते हैं टोटल, 30 डेज़ होते हैं। ठीक है ना, तो 30 डेज़ का कौन कौन सा मंथ होता है आपका, सेप्टेम्बर, अप्रैल, जून और नवंबर। ठीक है ना, इसके बाद में ऑल द रेस्ट हैव 31। ठीक है ना, और उसके अलावा सितंबर, अप्रैल, जून और नवंबर को छोड़ के जितने भी महीने होते हैं उसमें 31 डेज़ होते हैं। ठीक है, और जो फरवरी है उसको छोड़ के, ठीक है ना, फरवरी को छोड़ के। ठीक है, विच हैज़ 4 एंड 24 एंड एवरी फोर्थ ईयर 1 डे मोर। ठीक है ना, जिसमें कि क्या है, 4 एंड 24 होते हैं। ठीक है ना, और हर फोर्थ ईयर में जो है एक दिन ज़्यादा होता है। ठीक है ना, तो फरवरी के महीने में जो है वैसे तो 28 डेज होते हैं। ठीक है ना, बट जो लीप ईयर होता है उसमें 29 डेज होते हैं। ठीक है ना, तो आगे हम लीप ईयर के बारे में भी जानेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हो, अ लीप ईयर इज़ दैट ईयर नंबर ऑफ विच कैन बी डिवाइडेड बाय 4 एग्जैक्टली। तो लीप ईयर कौन सा ईयर होता है कि जिसका नंबर 4 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, उसको बोलते हैं लीप ईयर। जैसे कि अभी हमारा 2020 चल रहा था, तो ये जो 2020 है इसमें हम अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये ईजली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, ये जो है ईजली यहाँ पे डिवाइड हो जाता है। ठीक है ना, तो
ये ईयर जो है 4 से इजीली डिवाइड हो रहा है, इसलिए जो 2020 है वो एक लीप ईयर है, ठीक है ना। और लीप ईयर में क्या है, जो फरवरी रहती है वो 29 डेज की होती है, ठीक है ना। और अभी हमारा न्यू ईयर लग गया है और 2021 चल रहा है, ये एक लीप ईयर नहीं है, तो इसमें जो है फरवरी 28 डेज की होगी, ठीक है ना। आपके घर में न्यू कैलेंडर आ गया होगा तो उसमें आप देखेंगे कि जो फरवरी का मंथ है वो 28 डेज की होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से लीप ईयर निकालते हैं, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे एक सर्कल दिया हुआ है जिसमें जो कि हर एक मंथ दिया हुआ है, ठीक है। आपको याद करना हो तो जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है ना। जिसमें कि कौन कौन से महीने, सितंबर हो गया, ठीक है ना, नवंबर हो गया, ठीक है ना, जून हो गया और अप्रैल हो गया, ठीक है ना। जून, नवंबर, अप्रैल और सितंबर, ये चार महीने जो हैं ये कितने दिन के होते हैं, 30 डेज के होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जितने भी दिन हैं, जितने भी महीने हैं वो 31 डेज उसमें होते हैं। और फरवरी में जो है वैसे तो 28 डेज होते हैं, बट लीप ईयर में 29 डेज होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये तीनों पॉइंट्स कैलेंडर के याद होने चाहिए, ठीक है ना। तो इसको आप लोग देख के और अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपको जो है सारे के सारे मंथ के नाम याद कर लेने हैं, ठीक है ना। उसके साथ ही साथ आपको जो है डे के नाम भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। और लीप ईयर कैसे हम फाइंड आउट करते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको आप लोग देखिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। वी कैन ऑल्सो रिमेंबर द डेज ऑफ एनी मंथ काउंटिंग इट बाय द नोड ऑफ अवर क्लोज्ड फिंगर्स, ठीक है ना। तो जब हम अपनी इस तरह से मुट्ठी बंद करते हैं, फिंगर को क्लोज करते हैं, तो इनके नोड से भी हम जो है मंथ को काउंट कर सकते हैं। देखिए आप जब फिंगर बंद करेंगे तो इस तरह से आपका ऊपर शेप आएगा, ठीक है ना। तो सबसे ऊपर वाले में जनवरी, ठीक है, फिर उसके बाद में उसके अंदर वाले में फरवरी, फिर मार्च, ऊपर वाले में, फिर अंदर वाले में अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, ठीक है, इस तरह से। फिर उसके बाद ऊपर अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर, इस तरह से आप जो है इसको यहाँ पे इसकी हेल्प से, नोट की हेल्प से काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या लिखा है, स्टार्ट काउंटिंग द मंथ्स फ्रॉम द नोड ऑफ द फर्स्ट फिंगर, ठीक है ना। ईच नोड विल हैव 31 डेज, ईच एंटी नोड विल हैव 30 डेज एक्सेप्ट फरवरी, ठीक है ना। जितने भी जो नोड रहेंगे ऊपर वाले वो 31 डेज के रहते हैं, ठीक है ना। और जितने भी एंटी नोड है वो सभी जो है आपके 30 डेज के होंगे, सिर्फ फरवरी को छोड़ के, ठीक है ना। आफ्टर लास्ट फिंगर काउंट अगेन फ्रॉम द फर्स्ट, और लास्ट फिंगर जैसे पहुंचेंगे तो फिर हम फर्स्ट से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप अपनी जो फिंगर है उसके नोट से भी इसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या देखा, क्या है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टोटल डेज इन वन ईयर आर 365, एक ईयर में कितने दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं। टोटल डेज इन अ लीप ईयर आर 366, और एक लीप ईयर में कितने डे होते हैं, 366 डेज होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आइए यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी है, इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है, कि फिल इन द ब्लैंक्स, चूज फ्रॉम द बॉक्स, यू विल हैव टू यूज सम ऑफ द वर्ड्स मोर देन वंस, ठीक है ना। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर, ठीक है। तो क्या लिखा है यहाँ पे, राइज टू ग्रो फ्रॉम सीड, ठीक है। तो इसमें आपको जो है वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है ना। यू टू रीच क्लास 7th, अ टेलर टू स्टिच अ ड्रेस, ठीक है। इन सभी के लिए आपको जो है यहाँ नीचे दिया हुआ है, इसको यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना, मिनट, आवर्स, डेज, मंथ और ईयर्स में, ठीक है ना। तो जैसे लिखा हुआ है, राइस टू ग्रो फ्रॉम सीड, मतलब जो सीड से राइस जो है ग्रो होने में कितना टाइम लगता है, तो ये आपका किस में आएगा, ये मंथ में आएगा, ठीक है ना। 6 मंथ्स लगते हैं,
ठीक है। इसके बाद यू टू रीच क्लास 7, और आपको क्लास 7 जाने में कितना टाइम लगेगा, तो इसका 5 मिनट्स मिनट्स में होगा ये, ठीक है ना। इसके बाद अ टेलर टू स्टिच अ ड्रेस, टेलर जो है एक ड्रेस को स्टिच कैसे कितने उसमें करता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, डे लिखेंगे, ठीक है ना। और फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है, यू टू रीच चेन्नई फ्रॉम दिल्ली बाय ट्रेन, तो आपको ट्रेन से जो है दिल्ली से चेन्नई पहुँचने में कितना टाइम लगेगा ट्रेन में, तो इसमें भी कम से कम 3 दिन का टाइम लगता है, तो डे आएगा इसका। यू टू रीच चेन्नई फ्रॉम दिल्ली बाय प्लेन, प्लेन से पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो 2-3 घंटे में ही हम पहुंच सकते हैं, आवर्स में लगेगा टाइम, ठीक है ना। इसका यू टू ब्रश योर टीथ, तो टीथ को ब्रश करने में मुश्किल से 5 मिनट या 10 मिनट का समय लगता है, ठीक है ना। यू टू सिंग अ सॉन्ग, और एक गाना को गाने में कितना टाइम लगता है, तो इसमें भी ज़्यादा ज़्यादा 10 मिनट या 5 मिनट लगते हैं, ठीक है ना। इसका योर नेल्स टू ग्रो, और हमारे जो नेल्स हैं उनको बढ़ने में कितना टाइम लगता है, तो ये जो है किस में आएगा, ये डे में आएगा, ठीक है ना। इसमें डे में टाइम लगता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक्सरसाइज देखते हैं हम, 2.7, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाउ मैनी डेज आर देयर इन द मंथ ऑफ जनवरी, जनवरी में कितने डे होते हैं ये आपको बताना है। फिर क्या लिखा है, हाउ मैनी डे आर देयर इन द मंथ ऑफ फरवरी इन अ लीप ईयर, लीप ईयर में जो फरवरी रहता है उसमें कितने डे होते हैं, ठीक है। फिर क्या है, हाउ मैनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर, ठीक है, एक साल में कितने दिन होते हैं ये बताना है आपको, ठीक है। हाउ मैनी मंथ्स ऑफ अ ईयर हैव 30 डेज ईच, और मंथ्स कितने मंथ्स होते हैं जिसमें 30 डेज होते हैं, एक 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 ईयर में कितने मंथ्स ऐसे होते हैं जिसमें जो है 30 डेज होते हैं ये बताना है। और हाउ मैनी मंथ्स ऑफ ईयर हैव 31 डेज ईच, आपको बताना है कि ऐसे कितने दिन होते हैं जिसमें 31 डेज होते हैं, ठीक है। विच मंथ लाइज बिटवीन द मंथ ऑफ मई एंड जून, मई एंड जुलाई, मई और जुलाई के बीच में कौन सा महीना आता है ये बताना है, ठीक है ना। इसके बाद विच इज़ द 7th मंथ ऑफ द ईयर, मंथ ईयर का 7th मंथ कौन सा होता है ये बताना है। फिर इन विच मंथ आवर इंडिपेंडेंस डे कम्स, कौन से महीने में जो है इंडिपेंडेंस डे आता है ये बताना है। फिर हाउ मैनी डेज विल बी द देयर इन फरवरी 2008, फरवरी 2008 में कौन सा कितने दिन थे, ठीक है, ये बताना है आपको फरवरी में। विच मंथ कम्स जस्ट आफ्टर द मंथ ऑफ दिसंबर, दिसंबर के बाद में कौन सा मंथ आता है ये बताना, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कैलेंडर, ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे इसके पहले फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिखा हुआ है, द मंथ ऑफ ब्लैंक कम जस्ट बिफोर द मंथ ऑफ जनवरी, ठीक है ना, जनवरी के जस्ट पहले कौन सा मंथ आता है ये बताना है, ठीक है। इसके बाद देयर आर ब्लैंक डे इन द मंथ ऑफ मई, मई के महीने में कितने दिन होते हैं वो बताना है। द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, इस ईयर का लास्ट मंथ कौन सा होता है ये बताना है। देयर आर ब्लैंक डे इन अ ईयर, कितने एक एक दे एक साल में कितने दिन होते हैं वो बताना है, ठीक है। आवर स्कूल क्लोजेस फॉर द फुल मंथ ऑफ, ठीक है, कौन से महीने में स्कूल बंद रहता है ये बताना है, ठीक है। फिर इसके बाद देयर आर ब्लैंक डे इन मंथ ऑफ मार्च, मार्च में मार्च के महीने में कितने दिन होते हैं वो बताना है, ठीक है। इन द ईयर 2021 द मंथ ऑफ फरवरी विल हैव, ठीक है, 2021 में जो फरवरी है वो कितने दिन की होगी वो बताना है आपको, ठीक है। द मंथ ऑफ ब्लैंक लाइज बिटवीन जून एंड अगस्त, जून और अगस्त के बीच में कौन सा महीना आता है उसका यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है ना। तो सभी फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग करिएगा, ठीक है। इसके बाद में क्या लिखा हुआ है, रीडिंग अ कैलेंडर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में 2019 का एक कैलेंडर है जिसमें ये जनवरी है, ये फरवरी है और ये मार्च का महीना है, ठीक है ना। तीनों महीने का यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। क्या लिखा है, ईच डे ऑफ द वीक रिपीट्स आफ्टर एवरी 7 डेज, तो इसको देखने से हमें क्या पता चलता है कि हर एक दिन जो है हर 7 डेज के बाद में रिपीट होता है। जैसे यहाँ पर संडे है, ठीक है ना, तो संडे के बाद में 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 डे के बाद में फिर से संडे आ जाएगा, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, द मंथ ऑफ जनवरी 2019 बिगिंस ऑन ट्यूसडे, ठीक है ना। जो 2019 की जो जनवरी थी
ठीक है। 2019 की जो जनवरी थी वो कहाँ से स्टार्ट होती थी, ट्यूसडे से स्टार्ट हुई, ठीक है ना। देयरफॉर द अदर डेट्स इन दिस मंथ विल फॉल ऑन ट्यूसडे आर, ठीक है। तो और कौन सी डेट्स हैं जो ट्यूसडे को आएंगी, ठीक है। वन के बाद में एट डेट आएगी, उसके बाद 15 है, ठीक है, फिर 22 है, फिर 29 है, ठीक है ना। तो सभी में देखिए आप 7 प्लस कर देंगे तो आपको जो है डेट मिल जाएंगी। तो इस तरह से 8 हो गई, 15 हो गई, 22 हो गई और 29, ये सारी डेट्स जो हैं ये ट्यूसडे को आएंगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक्सरसाइज दी 2.8, इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है। राइट द डेट्स ऑफ ऑल फ्राइडे फ्रॉम जनवरी 2019 टू मार्च 2019। तो आपको यहाँ पे ये जो कैलेंडर दिया है इसको देख के इन फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है, ठीक है ना। पहला क्या लिखा है, राइट द डेट्स ऑफ ऑल फ्राइडेज फ्रॉम जनवरी 2019 टू मार्च 2019। जितने भी फ्राइडे थे आपके, ठीक है, जनवरी से मार्च के बीच में, उनमें आपको डेट लिखनी है, ठीक है ना। इसके बाद में क्या है, फाइंड द डेज ऑफ द फॉलोइंग डेट्स फ्रॉम द कैलेंडर। ये जो डेट्स यहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है, इन डेट्स को कौन सा दिन पड़ेगा ये आपको इस कैलेंडर से देख के जो है लिखना है, ठीक है। इसके बाद क्या दिया हुआ, फाइंड द डेट्स ऑफ द 4 फ्राइडेज इन द मंथ ऑफ जनवरी 2019। तो जनवरी के जो जनवरी में जो 4 फ्राइडेज हैं उसमें कौन कौन सी डेट्स आई हैं उनको आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट में क्या दिया हुआ, हाउ मैनी संडेज आर देयर इन ईच मंथ, और हर एक मंथ में जो है कितने संडे हैं वो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। इसके बाद आइए रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या दिया हुआ है, ब्लैंक इज़ द थर्ड डे ऑफ द वीक, वीक का थर्ड डे कौन सा होता है ये बताना है आपको, ठीक है ना। वीक स्टार्ट कहाँ से होता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो थर्ड डे कौन सा होता है ये बताना है आपको, ठीक है। सेकंड क्या दिया हुआ है, ईच डे ऑफ द वीक रिपीट्स आफ्टर, कितने दिन के बाद में रिपीट होता है वो बताना है। फिर फाइंड द डेट्स ऑफ ऑल थर्सडे इन करेंट मंथ एंड ईयर, ठीक है ना। जितने भी आपका मंथ और ईयर चल रहा है उसमें जो है आपको थर्सडे की डेट बतानी है, ठीक है ना, जितने भी थर्सडे आएंगे, ठीक है ना। उसके बाद में प्रिपेयर ए कैलेंडर फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2019 इन एक्सरसाइज बुक, आपको अपने एक्सरसाइज बुक में जो है 2019 का जो है कैलेंडर बताना है, ठीक है। इसके बाद में ब्लैंक इज़ द 8th मंथ ऑफ द ईयर, ईयर का 8th मंथ कौन सा होता है वो बताना है। फिर इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स, तो ये आपकी क्लॉक बनी हुई है तो उसको देख के आई वेक अप एट द कितने बजे आप उठते हैं इन द मॉर्निंग, द आवर एंड इट्स एट 6 एंड मिनट एंड इट्स एट, तो जब आप उठते हैं तो कितने बजे उठते हैं वो बताना है आपको, और इस टाइम पे जो आवर एंड्स और मिनट एंड्स होती है वो कहाँ कहाँ पे होती है वो बताना है, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड में क्या है, आई गो टू बेड एट, और आप सोने कितने बजे आते हैं वो बताना है, और उस टाइम पे जो आवर एंड्स होती है वो कहाँ पे होती है और मिनट हैंड्स होती है वो कहाँ पे होती है वो बताना है आपको, ठीक है ना। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका ये सेकंड चैप्टर है, ठीक है, क्लॉक एंड कैलेंडर वाला ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसको आप लोग करिए क्वेश्चंस इसके, और अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है, नहीं समझ में आता है, तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।